हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपॉइंटमेंट्स के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक सब देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हु बिकेम द डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? ये बने हैं तरुण सोबती। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा यहाँ पर। फिर कुछ और डिफेंस अपॉइंटमेंट को रिवाइज कर लेते हैं। 29 चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बने हैं मनोज पांडे। वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी हैं MV सुचेंद्र कुमार। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ R हरि कुमार। चीफ ऑफ एयर स्टाफ विवेक राम चौधरी। और डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये हैं आशुतोष दीक्षित। हु बिकेम द न्यू BRO चीफ? BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ब्रो के चीफ नए कौन बने हैं? तो ये हैं रघु श्रीनिवासन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में फॉर्म हुआ था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये आता है। हु बिकेम फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन बनी हैं जया वर्मा सिन्हा। पिक्चर में भी आप इनको देख रहे हैं। रेलवे बोर्ड इफेक्ट में आया था 1905 में। ठीक है, 1905 में इस्टेब्लिश हुआ था ये। और पहले चेयरमैन रेलवे बोर्ड के थे क्लेमेंट हिंडले। और अभी पहली महिला चेयरपर्सन बनी हैं जया वर्मा सिन्हा। हु बिकेम द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB? गवर्नमेंट न्यूज़ हैंडल की तरह इनको इसको देख सकते हैं PIB को। इसके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं मनीष देसाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोडल एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आती है। इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर। 1919 में ये फॉर्म हुई थी PIB। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके DG कौन है? मनीष देसाई। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC? LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हुए हैं R दुराईस्वामी। LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था और मुंबई में LIC का हेडक्वार्टर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ RPF? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसके नए डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट हुए हैं मनोज यादव। ऑप्शन ए करेक्ट है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को इस्टेब्लिश किया गया था 1872 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन? इसके नए डायरेक्टर जनरल के रूप में क्यू डोंगियो इनको अपॉइंट किया गया है। और FAO की बात करें, FAO की बात करें, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 16 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है रोम इटली में और डायरेक्टर जनरल तो हमने अभी देखे चाइना से ही बिलोंग करते हैं। हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ द इंडियन क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी? इसके चेयरमैन बने हैं अजीत अगरकर। ऑप्शन सी करेक्ट है। अपॉइंटेड बाय BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट, इसके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। BCCI का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके प्रेसिडेंट हैं रॉजर बिनी। ठीक है, और इंडियन क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अभी अजीत अगरकर बनाए गए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? इंडियन कोस्ट गार्ड के 25th डायरेक्टर जनरल DG बने हैं राकेश पाल। ऑप्शन ए करेक्ट है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ रॉ? रॉ के नए चीफ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं रवि सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट है। रॉ क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इंडिया का एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडिया की। इसकी कब इसको स्थापित किया गया था? 1968 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और चीफ बने हैं रवि सिन्हा, एक IPS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ स्वर्न एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट हुए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ बेसिक चीज़ें CVC के बारे में। तो पहली चीज़, ये कमीशन जो है एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। किस लिए बनाई गई है? करप्शन को, बेसिकली गवर्नमेंटल करप्शन जो होता है उसको एड्रेस करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप की गई थी इन 1964 और एक कमेटी थी के संथानम कमेटी। ठीक है, उसके रिकमेंडेशन पर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। के संथानम कमेटी को कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन भी कहते हैं। इसके हेड थे के संथानम, तो उन्हीं के नाम पर संथानम आयोग इसका नाम पड़ गया था। ठीक है, इसने अपनी ये जो कमेटी थी, ये जो कमीशन था, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी प्रेसिडेंट को, जिसके बाद प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट कर दिया गया था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो होते हैं उनको 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई जाती है और वो कमेटी रिकमेंड करती है कि कौन सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होना चाहिए। ठीक है, 3 मेंबर कमेटी कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसमें, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का कार्यकाल कितने समय तक का होता है? 4 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया?
ये बने हैं जनार्दन प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI एक साइंटिफिक एजेंसी है भारत की। 1851 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर है कोलकाता में और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये मिनिस्ट्री याद रखिएगा। MS रामचंद्र राव हैज स्वर्न इन एज चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट, इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी करेक्ट है। हिमाचल प्रदेश के CM कौन है, सुखविंदर सिंह सुखू हैं और गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। अब यहाँ पर हाई कोर्ट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो संविधान में आर्टिकल 214 टू 231 पार्ट 6 के तहत हाई कोर्ट के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है, जिसमें हाई कोर्ट का प्रोसीजर क्या होगा, पावर क्या होगी, ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। जो सबसे पहला आर्टिकल है इसमें आर्टिकल 214, ये बोलता है कि हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होना चाहिए। टेन्योर जजेस का कितना होता है, 62 ईयर्स ऑफ एज। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का टेन्योर 65 ईयर होता है और हाई कोर्ट का 62 होता है, ठीक है। फिलहाल हम देखें भारत में कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं, तो 25 हैं। स्टेट ज़्यादा हैं लेकिन हाई कोर्ट कम है, क्योंकि कुछ ऐसा भी है कि जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं या फिर जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनका ज्यूरिसडिक्शन किसी एक हाई कोर्ट के अंदर ही दो तीन स्टेट्स का या यूनियन टेरिटरीज़ का ज्यूरिसडिक्शन शामिल कर दिया गया है, ठीक है। फिर ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया कौन से हैं, कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास के हैं। 1862 में इनको एस्टेब्लिश किया गया था। हु बिकेम फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ WMO, WMO की पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल बनी है सेलेस्टे सोलो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। WMO क्या है, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और प्रेसिडेंट भी रिसेंटली WMO के अपॉइंट हुए हैं, अब्दुल्ला अल मंदौस। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO फॉर 2024 to 2027, 2024 से 27 तक के लिए WHO के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में री इलेक्ट किए गए हैं, GC मुर्मू या फिर गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि भारत के CAG हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। फिर WHO की बात की जाए तो 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर है जेनेवा में और टेड्रोस एधनॉम इसके हेड हैं। हु हैज़ इलेक्टेड 78th UNGA प्रेसिडेंट, 78वें UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, ये हैं डेनिस फ्रांसिस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। UNGA वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गेंस है UN के 6 ऑर्गेंस हैं ना, तो उनमें से एक ये है। 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और ये हमने देख ही लिया 78th प्रेसिडेंट बने हैं डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI के CEO कौन बनाए गए हैं, तो ये अमित अग्रवाल हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। हु टुक ओथ एज UPSC चेयरमैन, UPSC के चेयरमैन के रूप में ओथ किसने ली है, ये अपॉइंट हुए हैं मनोज सोनी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। UPSC है क्या, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर इसके बारे में मेंशन किया गया है, तो पार्ट 14 और इसमें आर्टिकल 315 टू 323, ठीक है, 315 से 323। UPSC के चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है, तो UPSC चेयरमैन हो या फिर UPSC के जो अदर मेंबर्स हैं उन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और टर्म इनका होता है 6 साल या फिर 65 साल की, 65 ईयर्स की एज जो है, जो भी इनमें से पहले पूरा हो जाए तब तक ये रहते हैं अपने पद पर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके नए डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किए गए हैं नितिन अग्रवाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 1989 बैच के IPS हैं केरला कैडर से, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ कैलकटा हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट या कैलकटा हाई कोर्ट इसके नए चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं, ये हैं TS शिवगणनम। हु इज़ द न्यू CEO ऑफ ट्विटर, तो ये आप देख रहे हैं कौन है, तो लिंडा ये सैरिनो ये ट्विटर की नई CEO के रूप में अपॉइंट की गई हैं। ट्विटर की बात करें, फाउंड हुआ था 2006 में, हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को USA में और चेयरमैन है इसके एलॉन मस्क। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI के डायरेक्टर जनरल बने हैं प्रवीण सूद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
और सीबीआई की बात करें, डोमेस्टिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है भारत की, ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंदर। 1963 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। हु बिकेम द न्यू अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये हैं किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। अच्छे से आपको याद होना चाहिए, अजय बांगा जो हैं वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बने हैं और इंडियन ओरिजिन अमेरिकन हैं ये, 14th प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 1944 में, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड बैंक के इंदरमीत गिल। हु बिकेम द न्यू लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, किरण रिजिजू जो हमने पहले देखे थे वो पहले थे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, लेकिन अभी चेंज करके अर्जुन राम मेघवाल को बना दिया गया है लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। रिसेंटली सिद्धारमैया बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, सिद्धारमैया कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, सीएम है सिद्धारमैया, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, डिप्यूटी सीएम है डीके शिवकुमार और गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटका में बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीट्स हैं, 224 हैं। लोकसभा में 28 सीट्स हैं जो कर्नाटक से आती हैं और राज्यसभा में 12। ये मैप में आप लोकेशन भी देख रहे हैं कर्नाटका की। हु बिकेम न्यू एमडी एंड चेयरमैन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई जो है इसके नए एमडी और चेयरमैन ये बने हैं रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ इंडिया फाउंड हुआ था 1906 में और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसके एमडी बनाए गए हैं देवदत्त चंद, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। बैंक ऑफ बड़ौदा फाउंड हुआ था 1908 में और वडोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या एनडीबी जो है ब्रिक्स का एक बैंक है, ब्रिक्स की कंट्रीज के द्वारा क्रिएट किया गया और इसके नए प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है डिल्मा रॉसिफ को। एनडीबी की स्थापना कब हुई थी, 2014 में बाय ब्रिक्स। ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं कौन कौन सी हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है, ब्रिक्स में 5 कंट्रीज़ ये शामिल हैं। लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक में इन 5 कंट्रीज़ के अलावा भी बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे, इजिप्ट ये कंट्रीज़ भी शामिल हैं। हेडक्वार्टर है इसका शंघाई, चाइना में। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में सेलेक्ट किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू को, जो कि हमारे कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। ILO की बात करें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है फुल फॉर्म, 1919 में स्थापना हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फिक्की सेक्रेटरी जनरल, फिक्की के सेक्रेटरी जनरल के रूप में शैलेश पाठक को अपॉइंट किया गया है। फिक्की क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB, SSB के डायरेक्टर जनरल यहाँ आप देख रहे हैं रश्मि शुक्ला हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक IPS ऑफिसर हैं, सशस्त्र सीमा बल SSB के डायरेक्टर जनरल हैं। SSB की स्थापना 1963 में हुई थी, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा, फीफा के प्रेसिडेंट के रूप में री इलेक्ट किया गया इन्हें, यानी कि जो पहले थे आपको वही याद रखने हैं। कौन है ये, जियानी इन्फेंटिनो हैं। फीफा है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, जो फॉर्म हुआ था 1904 में और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के CEO ये कौन है, BVR सुब्रमण्यम है। वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी, चेयरमैन है नरेंद्र मोदी। नीति आयोग इसकी फुल फॉर्म क्या है, नीति की नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर ये आता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्यूटी NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिप्यूटी NSA ये बने हैं पंकज कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, अजीत डोवाल, और डिप्यूटी बने हैं पंकज कुमार सिंह, पहले NSA भारत के ये थे ब्रजेश मिश्रा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, CGA, ये है SS दुबे, ठीक है, कैग से कंफ्यूज नहीं करना है, कैग अलग है, कैग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
ठीक है। और ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, ये एक प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइज़र है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। वहीं कैग को हम देखते हैं तो एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान के आर्टिकल 148 to 151 ये आता है। और फिलहाल हमारे कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू या फिर GC मुर्मू। CGA कौन है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये है SS दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ यूट्यूब? यूट्यूब के नए CEO ये बने हैं नील मोहन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। इंडो अमेरिकन है ये। यूट्यूब की बात करें तो 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। गूगल के अंडर यूट्यूब आता है, गूगल ओनर है इसका। और फाउंडर्स कौन हैं यूट्यूब के? चैड हर्ली, स्टीव चेन और जावेद करीम। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर चिल्ड्रंस राइट्स? तो यहाँ पिक्चर में देख के आपको पता चल गया होगा, आयुष्मान खुराना है नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट्स। अपॉइंट किसने किया है? यूनिसेफ ने। यूनिसेफ की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है UN इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। 1946 में स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और हेड हैं यूनिसेफ के कैथरीन एम रसेल। रमेश बैस अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? रमेश बैस जो हैं इन्हें महाराष्ट्र के नए गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इंडिया के मैप में महाराष्ट्र की लोकेशन आप देख रहे होंगे। CM कौन है महाराष्ट्र के? एकनाथ शिंदे। अभी यहाँ पर देखते हैं गवर्नर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं, संविधान में इसके बारे में क्या प्रोविज़न दिया गया है। तो गवर्नर जो हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, आर्टिकल 153 to 167 पार्ट 6 ये डील करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव में। और स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन शामिल हैं? तो गवर्नर, CM, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स और स्टेट एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो ये सभी मिलाकर स्टेट एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। और 153 से 167 इन आर्टिकल्स में स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में प्रोविजंस हैं। 153 आर्टिकल ये बात करता है कि हर स्टेट का एक गवर्नर होगा। 154 में बोला गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की वेस्टेड इन गवर्नर, ठीक है, किसी भी स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर वो गवर्नर में होगी। 155 गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में प्रोविजन करता है। 157 गवर्नर का टर्म कितना होगा ये बताता है, तो 5 साल बताता है। वैसे 5 साल बताया नहीं गया है, 5 साल तक रहेगा, लेकिन गवर्नर बेसिकली केंद्र सरकार या फिर राष्ट्रपति इनकी इच्छा पर अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। तो कोई कार्यकाल उस तरह से फिक्स नहीं है, लेकिन इन जनरल 5 साल तक के लिए कोई व्यक्ति गवर्नर बनता है। 157 में क्वालिफिकेशन बताई गई है, 159 ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर, और 161 में गवर्नर की क्षमादान की शक्तियाँ ये दी गई हैं। फिर 213 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर ये दी गई है। राष्ट्रपति के पास भी ऑर्डिनेंस पावर है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वो है 123 में। गवर्नर के पास है 213 में। रिसेंटली हमने देखा कि हमारी, जैसे हमने देखा प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर्स को, प्रेसिडेंट हमारी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो रिसेंटली इन्होंने 13 नए गवर्नर्स अपॉइंट किए हैं 12 स्टेट्स में और एक गवर्नर UT में। तो ये देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश में कैवल्य त्रिविक्रम परनायक हैं, सिक्किम के नए गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, झारखंड के हैं CP राधाकृष्णन, हिमाचल प्रदेश के हैं शिव प्रताप शुक्ला, असम के हैं गुलाब चंद कटारिया, आंध्र प्रदेश S अब्दुल नज़ीर, छत्तीसगढ़ के हैं विश्वभूषण हरिचंदन, मणिपुर के हैं अनुसैया उइके, नागालैंड के हैं लागानेशन, मेघालय के फागु चौहान, बिहार के हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और लद्दाख के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ये हैं BD मिश्रा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ 62nd सेशन ऑफ UN कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट? इसकी चेयरमैन बनाई गई रुचिरा कंबोज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रुचिरा कंबोज जो है इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन है। और इसकी बात हम करें UN कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, इसकी शुरुआत हुई थी 1946 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द OECD? इसका सही आंसर होगा क्लेयर लोम्बार्डेली, ऑप्शन नंबर ए। OECD की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। 2022 के अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो रिवाइज कर लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? इसके चेयरमैन बनाए गए हैं हंसराज गंगाराम अहिर। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट।
और अभी रिसेंटली ही इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है बाय 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 अंडर आर्टिकल 338B। जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था तब तक कैसे इसका काम चलता था? तो ये जो है ना बैकवर्ड क्लासेस के लिए सारे काम जो भी थे वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ही देखता था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं शाजी केवी। नाबार्ड जो है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई में और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये आता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 50th CJI हमारे कौन हैं? तो ये हैं DY चंद्रचूड़। इन्होंने 9 नवंबर 2022 को अपना ऑफिस अज्यूम किया था और UU ललित इनसे पहले थे हमारे CJI। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2। टेन्योर इनका कितने साल तक रहेगा ये फिक्स नहीं है, लेकिन एज के आधार पर टेन्योर होता है 65 ईयर्स। और हमारे भारत के पहले CJI कौन थे? हीरा लाल जे कानिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन? लॉ कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में ऋतुराज अवस्थी को अपॉइंट किया गया है। इस कमीशन की बात कर लेते हैं तो ये एक एडवाइजरी बॉडी है टू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। फंक्शन इसका क्या है? टू रिसर्च एंड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल रिफॉर्म। ठीक है, लॉ कमीशन है तो लीगल चीज़ों पर बात करेगी। चेयरमैन इसकी हैं जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, 22nd चेयरमैन हैं। पहली बार लॉ कमीशन का गठन हुआ था 1834 में, आज़ादी से काफ़ी पहले। लेकिन आज़ाद भारत में हम देखते हैं पहली बार इसका गठन हुआ था 1955 में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 10th चेयरमैन ऑफ इसरो? इसरो के 10th चेयरमैन कौन हैं? ये हैं एस सोमनाथ। एक रॉकेट साइंटिस्ट हैं और साथ में ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी भी हैं। इसरो की बात कर लेते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में स्थापना हुई थी, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है इसका ये इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये आपके लिए याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि फ़िलहाल ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी दो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं इनके अपॉइंटमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। ठीक है, तो इसलिए भी आपके लिए ये चीज़ याद रखनी इम्पॉर्टेंट है। राजीव कुमार है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 25th नंबर के हैं ये। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। कंपोजिशन की बात करें तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और दो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। हालांकि शक्तियां तीनों की बिल्कुल बराबर होती है, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है। कार्यकाल या टर्म की बात करें तो 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक अपॉइंट किस कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया था रिसेंटली, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रेसिडेंट तो करते हैं लेकिन प्रेसिडेंट को सलाह कोई देता होगा क्योंकि प्रेसिडेंट के पास खुद की मर्जी तो नहीं होती है, पोस्ट ही ऐसी है। तो इसीलिए अभी तक क्या होता था, गवर्नमेंट जो है या फिर सरकार है जिसमें प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट है वो मिलकर कुछ नाम कर देते थे सजेस्ट और उन्हीं को प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर बना देते थे। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रक्रिया है बिल्कुल भी जस्टिफिएबल नहीं है क्योंकि ये एक संवैधानिक बॉडी है तो उसी के अनुसार इसके अपॉइंटमेंट में भी हमें संवैधानिकता दिखानी चाहिए या फिर लोकतंत्र एक इसमें भी होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एक कमेटी होगी जो इनको चुनेगी, इलेक्शन कमिश्नर्स को एक कमेटी के द्वारा चुना जाएगा। कमेटी में 3 मेंबर्स होंगे, ये 3 मेंबर में एक होंगे PM, एक होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन और तीसरे होंगे CJI। ये 3 मेंबर्स की कमेटी होगी, ये मिलकर 3 नाम देंगे जिन्हें इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, मतलब एक चीफ होंगे और 2 अदर मेंबर्स होंगे। इन तीनों को ये कमेटी इन तीनों का नाम प्रेसिडेंट को देगी और फिर उन्हें ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। हु हैज़ बिकम 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू, अच्छे से आप जानती हैं, 15th प्रेसिडेंट हैं। पहली ट्राइबल और 2nd वुमेन हैं आफ्टर प्रतिभा पाटिल। और ट्राइबल में भी अगर आपसे पूछा जाए कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती हैं, संथाली ट्राइब से। और साथ ही पहली प्रेसिडेंट हैं जो कि जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ था 1958 में, मयूरभंज उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था।
यहाँ पर प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें दी गई हैं। राष्ट्रपति की बात करें, मिनिमम एज 35 ईयर्स चाहिए। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, 53। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट बताता है, 54 में इलेक्शन की बात की गई है, 56 में टर्म बताया गया है जो 5 साल होता है। आर्टिकल 60 में ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, और ओथ कौन दिलाता है, CJI या फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हैं जगदीप धनखड़। और अब वाइस प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं, तो जगदीप धनखड़ जो हैं ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, 14th नंबर के हमारे VP हैं ये, फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं ये वेस्ट बंगाल के। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 63 में बात की गई है, फिर 64 में ये बोला गया है कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 66 इलेक्शन की बात करता है, और 67 टर्म की बात करता है कि वाइस प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल का होगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ DRDO के चेयरमैन कौन है, यह हैं समीर V. कामत, इंडियन साइंटिस्ट हैं, DRDO के चेयरमैन हैं। इन्होंने G. सतीश रेड्डी को रिप्लेस किया था। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये आता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ SEBI, ये कौन है, माधवी पुरी बूच हैं, पहली महिला चेयरपर्सन SEBI की बनाई गई हैं ये। सिक्योरिटी SEBI की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये आता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेजिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जो है, इसके प्रेजिडेंट बने T. Rajakumar, सिंगापुर के हैं ये। और FATF की बात करें तो ये एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग एजेंसी है, 1989 में स्थापित हुई थी और हेडक्वार्टर है इसका पेरिस फ्रांस में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हमारे CDS कौन बने हैं, तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इनसे पहले कौन थे, पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी। और कौन सा हेलीकॉप्टर था, MI-17VS रशियन बिल्ट हेलीकॉप्टर था। CDS की बात कर लेते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये मिलिट्री हेड होता है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का, मतलब हमारी तीनों फोर्सेस को का ये मिलिट्री हेड होता है। और इस पोस्ट का एम क्या है, टू इंटीग्रेट द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द कंट्री। पोजीशन ये अनाउंस की गई थी 15 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी के द्वारा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के नए प्रेजिडेंट कौन बने हैं, ये हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, सोनिया गांधी को इन्होंने रिप्लेस किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, INC की स्थापना 1885 में बॉम्बे में हुई थी, AO Hume इसके फाउंडर हैं, पहले प्रेसिडेंट थे WC Banerjee और इसका पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हमारे AGI ये कौन है, ये हैं R. Venkatramani, न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में संविधान में आर्टिकल 76 में बोला गया है, AGI देश का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है जिसे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द UN, तो ये हमने बहुत स्टार्टिंग में ही देखा था, रुचिरा कंबोज हैं और TS Thirumurthy को इन्होंने रिप्लेस किया है। UN 1945 में स्थापना, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर और एंटोनियो गुटरेस इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। हु बिकेम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके नए चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पियरे ओलिवियर गॉरिन चार्ज। IMF की बात कर लेते हैं, 1945 में स्थापना हुई थी, Washington DC इसका हेडक्वार्टर है। गीता गोपीनाथ जो कि इंडियन ओरिजिन इकोनॉमिस्ट हैं, ये पहली डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी हैं IMF की मैनेजमेंट टीम की। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ NALSA, NALSA के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं DY Chandrachud। और NALSA क्या है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 9 नवंबर 1995 इसकी स्थापना हुई थी, आता है ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंदर। और इसका पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ C20, C20 के चेयरमैन कौन बनाए गए, माता अमृता नंदमाई ये बनाई गई है। C20 क्या है, सिविल 20 है ये, बेसिकली एक ऑफिशियल इंगेजमेंट ग्रुप है G20 का, ठीक है। तो आपको याद रखना है G20 क्योंकि समिट भारत में हो रही है, तो हर एक चीज़ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, BCCI के नए प्रेसिडेंट हैं रॉजर बिनी,
और बीसीसीआई क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, 1928 में स्थापित हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई, और जय शाह इसके सेक्रेटरी हैं। हु बिकेम फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन रेसिज्म, इनका नाम है अश्विनी केपी, जिन्हें आप पिक्चर में देख रहे हैं। अपॉइंट किसने किया है, यूएनएचआरसी ने, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू FIH प्रेजिडेंट, इनका नाम क्या है, तैयब इकराम है। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन 1924 में स्थापित हुआ था, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन बने हैं संतोष कुमार यादव। इसकी बात करें NHAI की, तो 1995 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर ही आता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट चांसलर ऑफ गतिशक्ति यूनिवर्सिटी, तो इसके जो पहले चांसलर हैं कौन बनाए गए हैं, अश्विनी वैष्णव, रेलवे मिनिस्टर हैं हमारे। और गतिशक्ति यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, वडोदरा गुजरात में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ FSSAI, इसका आंसर होगा गांजी कमला वी राव, ऑप्शन नंबर बी। FSSAI क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना हुई थी 2008 में, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ही आता है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट ऑफ TTFI, इसकी पहली फीमेल प्रेजिडेंट बनी है मेघना अहलावत। TTFI क्या है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO, इनका नाम है जेरेमी फरार, और यहाँ पर ये नाम जो है ये कौन है, WHO के चीफ नर्सिंग ऑफिसर हैं, डॉक्टर अमेलिया लातू अफूहा मैंगो ट्यूपू लोतू, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, मुझसे तो ऐसे ही हो रहा है प्रोनाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ संसद TV, संसद TV के CEO के रूप में अपॉइंट किया गया उत्पल कुमार सिंह को। संसद TV मार्च 2021 में, इसे लोकसभा TV और राज्यसभा TV को मर्ज करके बनाया गया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ PMLA एपलेट ट्रिब्यूनल, इसके चेयरमैन बने हैं एम एन भंडारी, अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द एपलेट ट्रिब्यूनल अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, इनका नाम क्या है, सुजॉय लाल थाउसेन, ये DG बने CRPF के, साथ ही में अनीश दयाल सिंह, ये ITBP के DG हैं। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 1939 में स्थापित हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। और ITBP क्या है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेजिडेंट ऑफ AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके प्रेजिडेंट बने हैं कल्याण चौबे, फॉर्मर इंडियन गोलकीपर ये रहे हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1937 में हुई थी, हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रिंसिपल्स साइंटिफिक एडवाइज़र, ये हैं AK सूद, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो होते हैं, ये चीफ एडवाइज़र हैं टू द गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू साइंटिफिक पॉलिसी। और पहले PSA कौन थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर आते हैं, हु हैज़ अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ हाई पावर्ड कमेटी ऑन चारधाम प्रोजेक्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट, इसके जो चेयरपर्सन है AK सिकरी हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चारधाम प्रोजेक्ट की बात करें तो ये इंक्लूड करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ 900 किलोमीटर रोड्स, इट विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू 4 होली टाउन्स ऑफ उत्तराखंड। चारधाम कौन है उत्तराखंड के, यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ IBBI, इसके चेयरमैन बने हैं रवि मित्तल। IBBI क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, टेन्योर होता है इसके चेयरमैन का 5 साल या फिर 65 साल की उम्र तक। 2016 में IBBI की स्थापना हुई थी, सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और ये रेगुलेट करता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी इन जल शक्ति मिनिस्ट्री, इनका नाम है विनी महाजन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति नई मिनिस्ट्री ही है, 2019 में क्रिएट की गई थी बाय मर्जिंग 2 मिनिस्ट्रीज, ये कौन सी हैं दो, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इन दोनों को मर्ज करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये बनाई गई थी 2000। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नीति आयोग
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ नीति आयोग? ऑप्शंस हैं सुमन बेरी, बीवीआर सुब्रमण्यम, अमिताभ कांत या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का दीजिएगा करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।